नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपको मेरे चेहरे पे खुशी दिख रही होगी जो दो चीज़ों की है। एक तो SSC CHSL 2022 का फाइनल रिजल्ट SSC ने डिक्लेयर कर दिया है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। काफ़ी सारे घरों में खुशियाँ पहुँच गई। एक जॉब क्या होता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो बींग अ मिडिल क्लास बॉय मुझे समझ आ रही है। और जितने लोग सेलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आज मिठाइयाँ खाएं, इट्स योर जश्न डे, एंजॉय विद योर फैमिली विद योर फ्रेंड्स विद हूमएवर यू वांट। अपने बाबू सोना जिनके साथ एंजॉय करना है एंजॉय करें, और आपने ये अर्न किया है दिस इज ऑल योर्स। तो बेस्ट विशेस रहेंगे आपकी मेहनत सक्सेस और सारी चीज़ों ताने जो सुने होंगे उन सब के लिए। कुछ एक मार्क्स से छूट गए यानी रह गए, उनको कुछ ज़्यादा हिम्मत नहीं आनी है बिकॉज यू क्रैक्ड SSC CHSL प्रीलिम एग्जाम आउट ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स। उसके बाद यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन मेंस एग्जाम जो कि सबके बस की बात नहीं है, एंड यू स्कोर सो मच, मतलब यू आर अबाउट टू सक्सीड। बट कुछ एक चीज़ों की वजह से हो सकता है कुछ आप या कुछ आपकी लक उस दिन काम ना करी हो, इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाए। तो आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालना है, जो कमियाँ हैं उस पर काम करना है और अगली बार विक्टोरियस निकल के आना है, ठीक है। यू हैव टू बी विक्टोरियस इन योर नेक्स्ट एग्जाम, बीट CGL CHSL CPO MTS जो भी आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब बाकी जिनका निकल गया वो लोग सीजीएल पर ट्राई करें या जो भी आपके ड्रीम गोल है वो कोशिश करें फॉलो करें। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ कितनी गई, मैं आपको कट ऑफ भी दिखा दे रहा हूँ और कितने वैकेंसीज वगैरह कितने बच्चों को सेलेक्ट किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि अपनी कट ऑफ प्रिडिक्शन जो थी टच वुड, मतलब भगवान की दया से बहुत ज़्यादा सटीक बैठी है, और मेरे हिसाब से तो मतलब बहुत सटीक बैठी है, ठीक है। तो चलो मैं देख लेता हूँ कि कितनी कट ऑफ मैंने प्रिडिक्ट करी थी, किस कैटेगरी को कितनी गई है, और वो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सारी चीज़ें डिटेल में भी देख लेना। और CGL की जो प्रिडिक्शन है वो भी ऐसे सही बैठ जाए तो मुझे और खुशी होगी। तो मैं रिजल्ट पे लेके चल रहा हूँ फिर अपनी कट ऑफ पे। जो रिजल्ट जो SSC ने डिक्लेयर करा है यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई। टीयर वन के बेसिस पे टीयर टू में सेलेक्ट किए गए। टीयर टू 390 नंबर का था। जनरल 30% मिनिमम लाना था। OBC EWS 25%, ऑल अदर कैटेगरीज 20%, वो सारी चीज़ें अलग है। टाइपिंग टेस्ट में जो रिजल्ट दिया गया वो 7% एरर अलाउड थी वार के लिए। OBC और EWS के लिए 10%, SC ST के लिए भी 10%, ESM OH के लिए भी 10%, HS के लिए भी VH के लिए, मतलब कि जनरल के 7%, बाकी सबके 10%। ये सिंपल सी बात हो गई। कट ऑफ जो है वो DST का आपको दे दिया गया 5% DO वाले में, 5% UR को, और बाकी सबको 7% दिया गया, ठीक है। अब मार्क्स स्कोर टाई केस का क्या है वो आप पढ़ लेना। हम बात कर लेते हैं टोटल कितनी वैकेंसीज थी। इन्होंने जो वैकेंसीज फिल करी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3242 कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, ठीक है। और जो आपको दिया गया 3242 में UR के कितने कैंडिडेट हैं वगैरह वगैरह, यानी कि आपकी जो वैकेंसीज हैं 3242 वैकेंसीज फिल करी गई हैं, क्लियर। और दूसरे वाले की बात करें कि किस कैटेगरी की कट ऑफ कितनी रही है, तो अगर हम ये जो आपके पोस्ट कोड हैं, पोस्ट कोड आप नीचे देख सकते हैं कि आपको कौन सी पोस्ट अलॉट हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LDC की, LDC GSA, L03 क्या है, LDC जूनियर असिस्टेंट, CBI, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है ये कट ऑफ दी गई है आपको, मतलब वो पोस्ट कोड दिया गया है कि किस डिपार्टमेंट का क्या पोस्ट कोड है, ठीक है। लबासना में भी वैकेंसी थी तो कई सारे लोग लबासना पहुंच जाएंगे। MEA जो L33 थी, MEA में आपका GSA की वैकेंसी थी, ठीक है। MHA में वैकेंसी थी LDC की। तो ये सारी आपकी पोस्ट कोड है, आपको पोस्ट कोड के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट आपको मिली है। तो पहले तो ऐसे सर्च कर लेना UR, ठीक है। मैं UR सर्च करता हूँ और आपको दिखाता हूँ सबसे कम कट ऑफ कितनी गई। हालांकि आप देख सकते हैं खुद ही UR की जो कट ऑफ गई है सबसे कम, वो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो तो UR की 280 गई है, यहाँ पे 283 गई है, यहाँ पे 200-300 गई है। तो UR की सबसे कम कट ऑफ आप यहाँ पे देख पाएंगे 260 गई है पोस्ट कोड L01 के लिए, 280 गई है, ठीक है। हमने प्रिडिक्शन कितनी गई थी वो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, बाकी आप UR के लिए देख सकते हैं कि कितनी कितनी कट ऑफ गई है। UR के लिए 290, यहाँ पे 294, 295, 291, 285, 307, 289, 292, 296, 286, 296, यानी UR की सबसे कम कट ऑफ जो देखने में आएगी वो 280 आएगी, ठीक है। अगर मैं ऐसे OBC सर्च करूँ तो OBC की कट ऑफ देख सकते हैं सबसे कम किस पोस्ट के लिए आई है। OBC सर्च करेंगे तो ये OBC यहाँ पे आप देख सकते हैं, OBC के लिए जो कट ऑफ गई है सबसे कम वो गई है, कितनी गई है, 278। OBC के लिए कितनी गई है, 278। ये देखो OBC के लिए L01 की कट ऑफ जो गई है वो 278। हमने कितना प्रिडिक्ट किया था अभी मैं वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ और कैटेगरी के लिए, OBC के बाद SC के लिए बात करूँ, SC के लिए अगर बात करूँ तो सबसे कम कट ऑफ कहाँ गई है देख सकते हैं। SC के लिए
एससी के लिए ये कट ऑफ गए 258, सबसे कम कट ऑफ गए 258 नंबर, ठीक है। हमने कितना प्रिडिक्ट किया था, 257.4। अभी मैं सारे दिखाई दे रहा हूँ कि कितना कितना प्रिडिक्ट किया था और कितनी कितनी गई है, ठीक है। एससी हो गया, अब हम एसटी भी देख लेते हैं भाई साहब। एसटी सर्च किया, एसटी के लिए सबसे कम कट ऑफ कहाँ पर गई है, ये देखो एसटी के लिए सबसे कम कट ऑफ गई है यहाँ पर, ये गई है 240। ये देखो एसटी के लिए सबसे कम कट ऑफ गई है 240, और इसमें चूंकि वैकेंसी 11 थी, अगर मैं अगली उस पर बात करता तो ये देखो अगली पे मैं आ जाता हूँ, तो ये देखो 245 गई, जो हमने प्रिडिक्शन किया था 244.8 का, ठीक है, 244.8 का प्रिडिक्शन किया था, तो 240 गई, हालांकि ये 245 गई है बेसिकली, ठीक है। तो ये कट ऑफ हम मान लेते हैं गलत गई है हमारी एससी की। और अगर जनरल की मैं पहले एक बार लिख देता हूँ, जनरल की मैंने प्रिडिक्ट की थी 284, गई है 280, ठीक है, ये प्लस माइनस एक लगाया था लेकिन 284 मैंने एग्जैक्ट लिखा था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए ये लगभग सही बैठी है हमारी कट ऑफ, ठीक है, इतने नंबर वाले मैंने कहा था एकदम सेफ माने। ईडब्ल्यूएस की मैंने 270 प्रिडिक्ट करी थी जो कि 279 है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ये गलत हो गई अपनी कट ऑफ, ठीक है, इसके लिए सॉरी। ओबीसी के लिए हमने 277 प्रिडिक्ट करी थी, 278 गई है कट ऑफ, ठीक है। अगर मैं एसटी कैटेगरी के लिए बात करूं तो सॉरी एससी कैटेगरी के लिए बात करूं तो मैंने 257.4 प्रिडिक्ट करी थी, 258 गई है, बोलो क्लियर है। और एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो 244.8 प्रिडिक्ट करी थी। परसेंटेज वाला कैलकुलेट करना आप, ठीक है, परसेंटेज में मैंने बोला भी है आपको कि परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेना, हो सकता है परसेंटेज कैलकुलेट करने में मुझसे गलती हो गई। तो यूआर की 284 हमने प्रिडिक्ट करी थी, 280 गई है जो कि लगभग बराबर है। ईडब्ल्यूएस हमारी गलत गई, ओबीसी तो एक डिट्टो सेम हो गई, एससी भी डिट्टो सेम हो गई, और एसटी की भी गलत हो गई मान लो, मतलब हमने जितना बताया था उससे सेफ ही है, यानी हमारी कट ऑफ जो खराब गई है वो ईडब्ल्यूएस की, बाकी सबकी कट ऑफ हम मान सकते हैं कि हम एकदम सेफ कैटेगरी में खड़े हुए। तो कट ऑफ भी परसेंटेज में 5 से 6 बढ़ाने के बाद 255 के अराउंड जाएगी। और एसटी की अगर हम कट ऑफ की बात करें, 5% अगर हम बढ़ाते हैं तो आपको 69 से 70% बनेगा, यानी कि 69 से 70% अगर हम बात करें तो आपका 250 लभी, ये 69 पॉइंट नहीं, ये 68 पॉइंट समथिंग बनेगा, लेकिन उसको 69 मैंने मान लिया, तो 69% यानी 252 के अराउंड सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया परसेंटेज पे, अब हम आ जाते हैं सेफ स्कोर पे। यहां पे आपको पता है 300 मार्क्स का परसेंटेज दिया हुआ है और ये 360 में मार्क्स का परसेंटेज दिया हुआ है।